निद्रा देवी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे अनादि अनंत परमेश्वर, आप ही जगत के आदि कारण और आप ही जगत का आश्रय हैं। हे महाप्रभु, आप ही जानते हैं कि सृष्टि उद्भव के लिए व्याकुल हो रही है। आप जागेंगे नहीं तो सृष्टि का उद्भव नहीं होगा महाप्रभु, क्योंकि सृष्टि तो आपके नेत्रों में निवास करती है। हे सृष्टि के भाग्य विधाता, सृष्टि का निर्माण तभी होता है जब आप अपने नेत्र खोलते हैं। आपके नेत्र बंद कर लेने से सृष्टि का विलय हो जाता है। अतः हे विराट पुरुष, हे आदिदेव, हे महाप्रभु, योग निद्रा से जागिए। जागिए महाप्रभु, जागिए। जागिए महाप्रभु, जागिए। हे आदिदेव, हे आदि पुरुष, आप अदित्य हैं, आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान हैं, आप हमारे जन्मदाता हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं आदिदेव, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, आप हमारे जन्मदाता हैं, तो वर भी दीजिए। तुम्हारी विनम्रता ने हमें प्रसन्न किया, वर मांगो। हे विराट पुरुष, आपने हमें उत्पन्न किया है, यदि वरदान देना ही है तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा कभी भी विनाश ना हो। तुम सृष्टि के नियम को भंग करना चाहते हो? उत्पत्ति और विनाश ही तो सृष्टि है।
हे आदिदेव, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार ही हो। ये वरदान देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। हे कैटब, हे मधु, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जहां चाहोगे, जिसके हाथों से चाहोगे, उसी के हाथों तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। आपकी जय हो। मधु, वो कौन है? वो कोई तेजस्वी पुरुष लगता है मधु। उसे देखकर मेरे पेट में कुछ होने लगा है। मेरे पेट में भी। खाना खाने के लिए कुछ चाहिए। इस समय तो कुछ और दिखाई नहीं देता मधु। मधु, इस समय तो केवल वो तेजस्वी पुरुष ही है। इसे खाएंगे तो पेट में तेज ही तेज भर जाएगा। चलो इसे खाते हैं। कैटा, इस एक पुरुष से हमारा क्या होगा? पेट तो नहीं भरेगा, फिर भी कुछ तो सांत्वना मिलेगी पेट को। हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अब मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाऊंगा। स्वादिष्टता के ढब, हमें और भोजन चाहिए। Time,
दाइमाम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या कोई है जो मेरी रक्षा करे? इन दो असुरों से मेरी रक्षा करो। कोई नहीं है ब्रह्मदेव, किसे पुकार रहे हैं? आपके बिना अभी तक किसी की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। तो ये दो असुर? केवल यही दो असुर हैं अभी तक इस सृष्टि में, और ये दोनों आपको खाना चाहते हैं। अतः मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई मेरा रक्षक नहीं है? वो विराट पुरुष जो आपके जन्मदाता हैं, वही आपकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मदेव, उनकी शरण में जाइए। मेरी रक्षा करो प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। कहाँ खो गया वो मधु? कहाँ जाएगा? चलो उसे ढूंढते हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे अनादि अनंत महातेजस्वी विराट पुरुष, प्रणाम। मैं जान गया परमात्मन कि आप ही इस जगत के आदि सृष्टा है। हे परमेश्वर, आपकी अमृत नाभि से जो कमल निकला है, मैंने अपने आप को वहीं पे पाया है प्रभु। हे प्रभु, मैं अकेला हूं, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा कोई तारनहार नहीं है। इसलिए मधु और कैटब नाम के दो असुर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और मैं किससे सहायता मांगूं प्रभु? आपके सिवा और कौन है यहां? केवल आप ही हैं जो मुझे जीवन दान दिला सकते हैं। हे प्रभु, आप आदि सृष्टा हैं तो मैं आपकी आदि सृष्टि हूं। आपको अपनी रचना की रक्षा करनी ही होगी प्रभु, आपको मेरी रक्षा करनी होगी प्रभु, मेरी रक्षा करनी होगी प्रभु। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करने वाले मेरा रूप हो। अब मैं अपने उस विष्णु रूप को प्रकट करता हूं जो सृष्टि का पालन और रक्षा करेगा, और वही विष्णु रूप आपकी सहायता भी करेगा। हो सकता है मधु? हाँ, कहाँ जा सकता है वो तेजस्वी पुरुष? असुरो, हे असुरो, ये कौन है मधु? पहले तो इसके चार चार मुख थे, अब केवल एक मुख है। जरूर ये कोई मायावी ही है। संभल कर कैटब,
पहले ये हमसे कितना भयभीत था, हमें देखकर रक्षा रक्षा करता भाग गया था। अब देखो हमारे सामने ये कैसे अकड़कर खड़ा है। पहले हमें ये देखना है इसके पास कौन सी माया है। ये मायावी नहीं है, है? अरे ये असुरों जिन्हें तुम देख रहे हो वो साक्षात परब्रह्म का रूप है, परमात्मा है ये। परमात्मा और ब्रह्म कैटव। हाँ मधु, ये चार भुजाओं वाला चार सिर वाले से जवान है। इसकी हड्डियां चबाने में बहुत आनंद आएगा मधु। मूर्खो, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो इनकी शरण में जाओ। शरण में? हम इसे अपनी भूख की शरण में लेंगे। पहले तो हम इसे काटेंगे, फिर खाएंगे। Yeah.
दर्शन चक्र है तुम्हारे पास, सब फेंक लो, हम मरने वालों में से नहीं। हम अजय हैं और हम अमर हैं। लेकिन कैटक, बोलो मधु, ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा शत्रु है शक्तिशाली। हाँ मधु, हमें इस योद्धा के साथ युद्ध करके बहुत आनंद आया। इसे मैं थोड़ा आनंद देता हूँ। हे परब्रह्म, परमात्मा, अब बचाओ अपने आप को मेरे प्रहार से। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा देवी, क्या ये साक्षात विष्णु नहीं है, पर ब्रह्म नहीं है? हैं। तो फिर अब तक इन दो असुरों का विनाश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हे ब्रह्मदेव, ये दोनों असुर भी उसी विराट पुरुष ने निर्माण किए हैं जिसने आपका निर्माण किया है। आप विराट पुरुष के सात्विक गुणों से प्रकट हुए हैं और ये विष्णु उनके राजस गुण से, क्योंकि भगवान शंकर तमोगुण की कल्याणकारी शक्ति से प्रादुर्भूत होंगे और ये असुर तमोगुण के संहारकारी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। उनकी संहारकारी शक्ति भगवान शंकर के कल्याणकारी शक्ति के सामने जाते ही क्षीण हो जाएगी। हे देवी, मैं विराट पुरुष से भगवान शिव को प्रकट करने की प्रार्थना करता हूँ। हे परब्रह्म विराट पुरुष, असुरों का नाश करने के लिए भगवान शिव का प्रकट होना अति आवश्यक हो गया है। हे प्रभु, भगवान शिव को प्रकट कीजिए, भगवान शिव को प्रकट कीजिए प्रभु। Thank you.
स्वयंभू विराट पुरुष, हे आदि पुरुष, आप ही सुर असुर, देव दानव, दैत्य आदित्य, अंधकार और प्रकाश के उत्पादक हैं। आपके संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि का प्रादुर्भाव और निरोभाव होता है। आपको इस शिव शंकर का प्रणाम। हे अनंत पुरुष, वास्तव में आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ये तीनों रूप आप ही के हैं। आपको बारंबार प्रणाम। हे प्रभु, अब आप और कितने दिनों तक युद्ध करते रहेंगे? ये कैसी लीला है आपकी? आदि पुरुष विराट पुरुष ने आप ही के रूप में अवतार लिया है। वास्तव में मैं और ब्रह्मदेव भी आप ही के रूप हैं। हे प्रभु, ब्रह्मदेव को सृष्टि करनी है। जब तक आप इन दोनों असुरों का विनाश नहीं करेंगे, तब तक इस सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ कैसे होगा? रुक जाओ योद्धा, तुम क्यों अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हो? तुम हमें नहीं मार सकते, परंतु हम तुम्हारी वीरता, शूरता और बल से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। इतने दिनों तक हमारे साथ युद्ध करने वाला एक महापराक्रमी हो सकता है, ना तो तुम हमें पराजित कर सकते हो और ना ही तुम हमें मार सकते हो। हमें आदिदेव आदि पुरुष से आशीर्वाद प्राप्त है। बस यूं समझ लो कि हम स्वयं आदि पुरुष हैं। किंतु हम तुमसे प्रसन्न हैं, इसलिए जैसे आदि पुरुष ने हमें वर दिया था, हम उसी प्रकार तुम्हें वर देना चाहते हैं। मांगो, वर मांगो, वर मांगो। आप दोनों सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? निसंदेह, जो मांगोगे मिलेगा। तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि रुक क्यों गए? हमने जो वचन दिया है वो हम अवश्य पूरा करेंगे। यदि ऐसी बात है तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि आप दोनों इसी समय मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त करें। आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे पहले से ही संदेह था। अंततः आप हैं तो असुर ही। अपने आप को आदि देव आदि पुरुष समझना और बात है, और उनकी तरह वरदान देना और उस वर को सफल बनाना और बात है। क्या आप दोनों अपना वचन भंग कर देंगे? कभी नहीं। वचन भंग करने का पाप हमसे कदापि नहीं होगा। हम वरदान अवश्य पूरा करेंगे।
तुम्हारे जैसे वीर के हाथों मृत्यु भी भाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है। हे वीर पुरुष, हम तुम्हारे हाथों मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु हमें वहां मारना जहां जल ना हो। मारो मारो मारो। जल तो नहीं है? अब मैं तुम दोनों का वरदान सफल करने जा रहा हूं। हे वीर पुरुष, तनिक इतना तो बताओ कि तुम कौन हो? मैं सृष्टि निहंता विष्णु हूं। तो क्या हमारी मृत्यु भगवान के हाथों हो रही है? अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा ना? हाँ, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें दिव्य धाम अवश्य प्राप्त होगा, किंतु ये जो घाव तुमने मुझे युद्ध में दिए हैं, इनका पाप तुम्हें भोगना होगा। तुमने मुझे 3 घाव दिए, इसलिए तुम्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने ही पड़ेंगे। हम शुभ कर्म करें तो भी क्या हमें नए जन्म लेने पड़ेंगे? प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। मेरी महामाया जीवों के केश पकड़कर उन्हें कठपुतली की तरह नचाती है, और जीव पाप और पुण्य के सरोवर में गोते खाता रहता है। हम प्रयत्न करेंगे कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो। तो तुम अपने कर्मों के अनुसार फल भी पाओगे। अच्छे कर्म अच्छा फल। हे विष्णु, हे महेश, जब सृष्टि का उद्भव होना होता है, तब मैं अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता हूं, और वो तीनों रूप तुम ही हो। तुम तीनों मेरे ही रूप हो। जिस प्रकार बिना धागे के वस्त्र नहीं बनता, बिना बीज के
वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार बिना त्रिगुणों के सृष्टि का निर्माण नहीं होता। और तुम तीनों मेरे सत्व, रज और तम गुणों के अधिपति हो। जब सृष्टि होती है तब तुम तीनों प्रकट होते हो, और जब प्रलय होती है तब तुम तीनों संसार के वट वृक्ष के एक पत्ते पर शिशु की भांति संसार के बीज के रूप में लेट जाते हो, और प्रलय शांत होने पर फिर मुझ में विलीन हो जाते हो। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए ही प्रकट किया है। भगवान विष्णु के हाथों मरने पर मधु और कैटब दोनों का उद्धार हो गया और वो वैकुंठ लोक जा रहे थे। कैटब, ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं, ये उस वरदान का फल है जो तुम्हें भगवान विष्णु से प्राप्त हुआ है। उनके स्पर्श मात्र से ही तुम पावन हो गए हो, इसलिए इस समय यहां हो। अन्यथा पुण्यात्माओं के अतिरिक्त विष्णु लोक में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं जय। जय? कौन जय? दिव्य शरीर धारण करते ही तुम जय और विजय हो गए हो। चकित क्यों हो रहे हो? अपनी अंतरात्मा में झांको, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। प्रभु, आप कौन हैं? मैं परमात्मा हूं और ये मेरा परम धाम है। आप सृष्टि नियंता भगवान विष्णु? हां, मैं ही महाविष्णु हूं, सृष्टि निहंता, वो विराट पुरुष जिन्होंने आपका वध किया था, मेरा ही अंश रूप है। मैं जगत पिता हूं, जगत कल्याण मेरा धर्म भी है और कर्म भी। मुझे कर्मों के अनुसार फल देना है। तुम दोनों ने मेरे विष्णु रूप को 3 घाव दिए थे, स्मरण है? हां प्रभु। उनका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। तुम दोनों को असुर योनि में 3 जन्म लेने होंगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि विकास का एक एक चरण संपन्न होना है। वो कैसे महाप्रभु? तुम दोनों की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के साथ हुई है। ब्रह्मदेव सृष्टि उत्पन्न करेंगे और तुम दोनों सृष्टि होने नहीं दोगे। ये विरोध किस लिए महाप्रभु? सृष्टि का विकास दशों दिशाओं में होना चाहिए, इसलिए ये विरोध नहीं होगा तो सृष्टि का विकास एक ही दिशा में होगा। इस विरोध में तुम्हारा सहयोग छिपा है। तो अब हमें क्या आज्ञा है महाप्रभु? तुम दोनों इस परम धाम के द्वार के पार्षद बनकर वैकुंठ लोक में रहोगे। जो आज्ञा महाप्रभु। महाप्रभु। इस प्रकार मधु कैटब का उद्धार हुआ
और वो जय विजय बनकर वैकुंठ धाम के पार्षद बन गए। सृष्टि रचना का समय आ गया था। सृष्टि उद्भव के लिए व्याकुल हो गई थी। सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि करो। परमपिता ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर को प्रणाम किया और सृष्टि रचना के कार्य का शुभारंभ हुआ। आज्ञा अनुसार ब्रह्मा बन गए सिर जन। सर्वप्रथम उत्पन्न किए ऋषि चार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को किया आदेश, सृष्टि सृजन में करो तुम प्रवेश। ऋषि बोले हम शिव पथ गामी, हमें अन्य दिशा भेजो स्वामी। ब्रह्मा ने दायित्व निभाया, मानस श्री मुख से
मेरे विग्रह से उत्पन्न हुए दंपत्ति, मैंने तुम दोनों को प्रजा की वृद्धि के लिए उत्पन्न किया है। मेरा नाम क्या है प्रभु? तुम्हारा नाम मनु है। और मेरा नाम प्रभु? शत्रुपा। ब्रह्मा विष्णु महेश से आशीष वरदान, शन शन पढ़ने लगी प्रभु की सृष्टि महान। नारायण नारायण। विश्वनाथ भगवान शिव शंकर की जय हो। प्रणाम भोलेनाथ। तुम्हारा कल्याण हो देवर्षि। हे शंका निवारण करता परमात्मा। अच्छा, तो किसी शंका से बंधे यहां आए हो नारद? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, मेरा मन बहुत विचलित है। मुझसे पिता श्री ब्रह्मदेव का अनादर हो गया है। प्रभु, सृष्टि विकास के लिए वो मुझसे गृहस्थ धर्म का पालन करने की आशा रखते हैं, मैंने उन्हें निराश कर दिया प्रभु। मैं उनका आदेश स्वीकार नहीं कर सकता। आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देवर्षि, आप गृहस्थ धर्म स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप साक्षात प्रभु भक्ति के अवतार हैं। किंतु भोलेनाथ, आप चिंतित क्यों होते हैं? देवर्षि, आपके चारों भाइयों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने भी तो गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया। वो देखिए, वो चारों प्रभु को पाने के लिए कैसी तपस्या कर रहे हैं। नारद, तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति करो, तुम्हारा विचलित मन स्थिर हो जाएगा। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। कल्याण हो देवर्षि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान, इस मंत्र बोध से ही मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो वत्स। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली प्रभु? हाँ। आपके दर्शनों से हमारी तपस्या सफल हो गई प्रभु। आपको बार बार प्रणाम। हे ऋषि कुमारो, आप चारों ने मुझे प्रसन्न किया। बच्चा निष्पाप होता है, निर्विकार होता है, इसीलिए आपने बालक ही रहने की कामना की, जो पूर्ण हुई, जिससे आपने मोह पर विजय प्राप्त कर ली। और अहंकार, उसे तो आपने अपने मन को स्पर्श करने का अवसर ही नहीं दिया। आप धन्य हैं। हे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार,
मैं जानता हूं आप सभी इच्छाओं से परे हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा से आप चारों को वरदान देता हूं कि आप सदैव स्वतंत्र रहें। सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा लोक नहीं जहां आप नहीं जा सकते। आपके लिए सृष्टि का हर द्वार खुला है। विष्णु धाम भी? हां सनातन, आप चारों के माध्यम से ही ज्ञान और भक्ति का प्रसार होगा। प्रभु, हम जब चाहे तब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे? निश्चय ही। हम अनुग्रहित हुए प्रभु। परमपिता, मेरा कष्ट निवारण कीजिए। मेरी बुद्धि मुझे बहुत दुखी कर रही है, बात बात पर यह प्रश्न करती है और मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। क्या प्रश्न है नारद? मधु कैटव को आपने राक्षस ही उत्पन्न किया था ना? हाँ, परंतु भगवान विष्णु ने अब उनका उद्धार करके उन्हें जय विजय का दिव्य रूप प्रदान करके पार्षद बना लिया है। यही तो परमपिता, एक ओर तुम राक्षसों को अपना पार्षद बनाकर वैकुंठ द्वार पर उनकी नियुक्ति कर दी है और दूसरी ओर मेरे बड़े भाइयों को किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी धाम और किसी भी लोक में प्रवेश करने की अनुज्ञा भी दे दी है। ऐसा भगवान विष्णु ने क्यों किया? कहीं मेरे भाई वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े तो? निश्चय ही। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ धाम जाएंगे। परंतु क्यों? प्रभु की लीला। यह सृष्टि विकास का एक चरण है नारद। नारायण नारायण। रुक क्यों गए? हमें वरदान प्राप्त है, हम किसी भी समय प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। चलो भीतर चलो। ऋषिवरो, हम क्षमा चाहते हैं, हम इस समय आपको भीतर नहीं जाने देंगे। हाँ, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। किंतु हमें तो स्वयं प्रभु ने अनुज्ञा दी है, हम किसी भी समय उनके दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हे पार्षदों, हमें ना रोकिए, हमें जाने दीजिए। नहीं महात्माओं, हम विवश हैं। हम आपको प्रभु के विश्राम में बाधा नहीं डालने देंगे। भ्राता श्री सनंदन, जरा ध्यान से देखो, ये वैकुंठ धाम ही है। निश्चय यही वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम तो निर्विकार है, यहाँ विकारों को स्थान कैसे मिला? भगवान तो मोह से परे हैं, उनके इन पार्षदों में मोह की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ भ्राता श्री, निरंकार परमात्मा के द्वार पर अहंकार ने आकार कैसे धारण कर लिया? आप दोनों तो परम धाम का वातावरण विकृत कर रहे हैं। आप दोनों को वैकुंठ धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऋषिवरो, हमसे भूल हो गई, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। आपको वैकुंठ धाम त्यागना होगा। नहीं नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। तीन बार असुर योनि भोगने के पश्चात ही आपके पाप दूर होंगे और तभी आपका उद्धार होगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करें ऋषिवर, ऐसा ना करें। नहीं नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें श्राप मत दीजिए ऋषिवर, हमें श्राप मत दीजिए, हमें श्राप मत दीजिए, हमें श्राप मत दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए। हे जय, हे विजय, निराश होने की आवश्यकता नहीं है पार्षद,
वैकुंठ लोक से तुम्हारा पतन निश्चित था। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तो केवल इस पतन का माध्यम बन गए। परंतु ऐसा क्यों प्रभु? क्यों? सृष्टि के विकास में तुम दोनों को ब्रह्मदेव का सहयोग देना है। असुर कुल में तुम्हें 3 जन्म लेने हैं और जन्म के पश्चात मेरा विरोध करना है। इस प्रकार सब लोगों में धर्म के महात्म्य को बताने में अप्रत्यक्ष रूप से मुझे तुम्हारी सहायता मिलेगी। इसलिए हे जय, हे विजय, इन ऋषियों के शाप को वरदान समझकर स्वीकार करो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान की लीला को समझना बड़ा दुष्कर है पिताश्री। जय विजय के पतन के लिए मेरे भाइयों को माध्यम बना लिया प्रभु ने। अब उत्सुकता ने मानसिक उहापो करना आरंभ कर दिया है कि जय विजय कहां जन्म लेंगे। वत्सनारद, मेरे 10 मानस पुत्रों में से केवल कश्यप, वशिष्ठ और अत्रि इन 3 पुत्रों ने ही गृहस्थ धर्म पालन करना स्वीकार किया है। जिनमें से वशिष्ठ और अत्रि ऋषि धर्म की मर्यादा में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे और कश्यप बिना किसी मर्यादा के। वत्सनारद, कश्यप के यहां देव भी जन्म ले सकता है और दैत्य भी। नारायण नारायण। अस्ताचल सस्ताय सूर्य देवाय नमः। महर्षि कश्यप तो संध्या वंदन कर रहे हैं। अस्ताचलस्य अस्ताय सूर्य देवाय नमः। 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 सूर्य देवाय नमः। अरे क्या है देवी? जरा इसे समझाइए स्वामी। किसे? मेरे मन को। आज बहुत चंचल हो रहा है आपके लिए। ये क्या कर रही है देवी? ये संध्या पूजा का समय है। जानती हूँ, मैंने भी अपने मन से यही कहा था। कहने लगा संध्या पूजा तो महर्षि प्रतिदिन करते हैं, आज रति पूजा हो जाए। छी 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 छी। ऐसी विलासपूर्ण भावना और इस समय? ये रुद्रदेव का समय है देवी। इस समय उन्हीं के गण भूत प्रेत पिशाच भ्रमण करते हैं। आज हम भी भ्रमण करेंगे उनके साथ, आइए ना। क्या कर रही हो दीदी, छोड़ो ना। क्यों पाप को निमंत्रण दे रही हो? पाप को निमंत्रण? पति पत्नी का प्रेम कभी पाप होता है क्या? ठीक है, मुझे संध्या तो कर लेने दो। इस समय आप संध्या से ध्यान हटाइए और दीदी पर ध्यान लगाइए। आइए ना, आइए। अरे सुनो ना। आइए आइए ना। मेरी बात तो सुनो, ये समय उचित नहीं है दीदी। आइए मेरी बात सुनो। महर्षि, फिर से पूजा? प्रातःकाल की पूजा तो आप पूर्ण कर चुके थे। देवी, मेरी पहली पूजा पुण्य के लिए थी, अब मेरी पूजा अर्चना
पाप नाश के लिए है। आपने कौन सा पाप किया? प्रत्येक कार्य समय अनुसार किया जाए तो पुण्य बन जाता है, असमय किया जाए तो पाप। असमय में किए गए यज्ञ का फल भी उल्टा हो जाता है, पुण्य के स्थान पर उसका परिणाम भी पाप बन जाता है। मैं उसी पाप का शमन करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि प्रकृति से मुझे संकेत मिल चुका है। कैसा संकेत? देवी, तुम दो भयंकर असुरों को जन्म देने जा रही हो। ओम रुद्र देवाय नमः, ओम रुद्र देवाय नमः, ओम रुद्र देवाय नमः। स्वामी, स्वामी। शारीरिक कष्ट का यह अंतिम समय है, परंतु विश्व के कष्ट का समय आरंभ हो चुका है। देवी, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। देवी, तुम्हारी संतान तीनों लोगों के लिए कष्टदायी है। ओम रुद्र देवाय नमः। नारायण नारायण, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अंततः आपने पार्षदों को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म देकर अपनी लीला का सूत्रधार बना ही लिया। नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है प्रभु।